मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रोजगार मेले में नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। इस अवसर पर भोपाल के चिरायु मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। नवनियुक्त कर्मियों ने प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन को सुना। इस अवसर पर नवनियुक्त कर्मियों ने कहा कि आज उनके जीवन का बहुत ही बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि वह राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देंगे और अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी तरह से करेंगे। वहीं रोजगार मेला कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री एवं सहकारिता मंत्री बीएल वर्मा ने नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी रोजगार मेले का जो आयोजन करते हैं, तो 12वां संस्करण हमारा रोजगार मेले का था और इसमें 1 लाख से भी ज़्यादा नियुक्ति पत्र देने का काम पूरे देश में हुआ है। इसमें मैं भोपाल एक केंद्र है, इसी प्रकार से 46 केंद्रों पर ये नियुक्ति पत्र देने का काम हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लगातार देश को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। तब मैं कह सकता हूँ कि ये सरकारी नौकरियों का विषय हो या रोजगार देने का विषय हो, लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी ये क्रम आगे बढ़ा रहे हैं। और केवल माननीय प्रधानमंत्री आज की बात ही नहीं करते हैं, 2047 में हमारा भारत कैसा हो, जब देश आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा, तब जो आज के युवा हैं जिनको नियुक्ति पत्र दिए हैं, इनके कंधों पर इस भारत को आगे ले जाने का काम होगा। तब मैं कह सकता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से निरंतर काम हो रहा है, विकास के लिए काम हो रहा है, 60 वर्षों में यूपीए और कांग्रेस की सरकार में काम नहीं हुए, उससे ज़्यादा काम विकास के माननीय प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में हुए हैं। तो आज अर्थव्यवस्था की बात ही आप देखें तो जहाँ पर 11वें स्थान पर अर्थव्यवस्था हमको मिली थी और वो 11वें स्थान से उछल करके दुनिया की जो महाशक्ति अर्थव्यवस्थाओं में भारत 5वें स्थान पर पहुंचा है, तब हम कह सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं और सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आने वाले समय में जो तीसरा टर्म माननीय प्रधानमंत्री का होगा, उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था टॉप 3 में होगी, यानी तीसरे स्थान पर होगी। इस समय हमारे साथ तमाम अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं जिनको आज नियुक्ति पत्र दिया गया है, आज हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मनोज स्वर्णकार, मैं स्टेट बैंक में एज ए सर्कल बेस्ड ऑफिसर ज्वाइन करने वाला हूँ और बहुत अच्छा लगा आज, एक इंटीग्रेटेड लगा, मतलब नेशन बिल्डिंग में हम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर का इंटरेक्शन और उसके अलावा हमारे अभी राज्य मंत्री के साथ इंटरेक्शन, तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी लगा। और 2047 में हमारा जो विजन है, संकल्प है विकसित भारत के लिए, तो बहुत हमें एनकरेजमेंट मिला और हम इसके लिए बहुत अपना कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। जी, मेरा नाम अमन श्रीवास्तव है, मेरा सिलेक्शन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हुआ है और काफ़ी खुशी हुई यहाँ मिलके, और मेरे गार्जियन और पेरेंट्स भी आए हुए हैं, वो लोग भी काफ़ी खुश हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज हम बहुत खुश हैं, आज ये बहुत बड़ा दिन आया है हम लोगों के लिए। बेटा तो मेहनत कर ही रहा था लेकिन लग रहा था कब ये खुशी का दिन आए, आज हमें महाकाल जी ने ये अवसर दिया है, हम बहुत बहुत आभार उनका प्रदान कर। मेरा नाम डॉक्टर पुंचन दोहरे है, मेरा मैनेट भोपाल मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट हुआ है और मुझे इस प्रोग्राम में आके बहुत अच्छा लगा। इस रोजगार मेला में सम्मिलित होकर मुझे मतलब अच्छा लगा है कि एक इसमें हम देख सकते हैं कि अन्य डिफरेंट विभागों के जो लोग रिक्रूट हुए हैं, हमें उनसे मिलने का मौका मिला और ये भी पता चला कि कितने लोग किस किस तरीके, मतलब कौन कौन रिक्रूट हो रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट पोजीशंस के लिए। सो इट इज़ गुड। कितना बड़ा दिन है आज आपके लिए? बहुत, मतलब इसको तो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि मतलब डेफिनेटली इट्स ए गवर्नमेंट जॉब, देन एक प्राउडली मोमेंट होता है हर किसी के लिए। सो आई एम हैप्पी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ब्यूटी मंडल है और मेरा सिलेक्शन एनसीसी डायरेक्टरेट में हुआ है भोपाल में और मैं आज तो बहुत खुश हूँ, मेरे मम्मी पापा होते तो और ज़्यादा खुशी मिलती मुझे। तो मतलब आप इस खुशी को कैसे व्यक्त करना चाहती हैं?
खुशी को सर मैं अभी तो जाके वीडियो कॉल करूँगी मम्मी पापा को, फिर बताऊँगी क्या क्या हुआ है ये सब। और बस एक ही मलाल रह गया, मम्मी पापा प्रेजेंट होते तो बहुत अच्छा होता। लग रहा है कि सपना साकार हुआ। हाँ, अभी मंत्री जी आए, उनके हाथों से अपॉइंटमेंट लेटर मिला, बहुत अच्छा लगा सर। उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ डायरेक्टरेट को भी और यहाँ पे जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं उनको भी। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? श्रद्धा सक्सेना, और मेरा सिलेक्शन हुआ है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में। मैं बहुत थैंकफुल हूँ गवर्नमेंट की कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से रिक्रूटमेंट किया है और हम लोगों की मेहनत को एक रास्ता दिया है। आज माननीय मंत्री जी से इंटरेक्शन हुआ, मोदी जी का हम लोगों ने अभी भाषण सुना, तो उनसे जो एक प्रेरणा मिलती है वो हमारी लाइफ में आगे हमको बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। कितनी मेहनत की थी आपने? सर वैसे तो मैं तैयारी 2015 के बाद से कंटिन्यूसली कर रही हूँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, पर जब सक्सेस मिला तो वो उसका रिजल्ट ही कुछ और था। मतलब आज का दिन आप मतलब कुछ कैसे उल्लेख करेंगे आज के दिन को? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हौसलों की उड़ान अभी बाकी है, चेहरे पे मुस्कान बाकी है, अभी तो शुरुआत हुई है, पूरा जमीन और पूरा आसमान बाकी है। तो आपने देखा कि अभ्यर्थियों का जो हौसला है, जो जोश है, और जब उन्होंने अपनी नियुक्ति पत्र पाई है तो उनके खुशी, उनके चेहरे पर जो खुशी है वो साफ देखा जा रहा है। श्रेयस द्विवेदी के साथ डीडी न्यूज़।